नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मतदान अधिकारी को पीटने का आरोप लगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तंजीन फातिमा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। तंजीन फातिमा ने दावा किया कि सीएम योगी ने अली और बजरंग बली पर बयानबाजी की शुरुआत की थी। तंजीन फातिमा ने आजम खान के जयप्रदा को अनारकली बताने वाले बयान का बचाव भी किया। फातिमा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप निकल गई घर से और वोट देकर आई हैं, ऐसे में अभी भी काफी स्लो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगी वो लोग जो अभी घर पे हैं? जो अभी घर पे हैं, बहुत से लोग तो वापस लौट गए हैं। बहुत सी जगह पर ईवीएम खराब है, 300 के करीब ईवीएम सुबह से ही खराब है और यही एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग थी पहले से ही। पर ये जैसे आज रामपुर में चुनाव है, मुद्दे देश भर में अलग है, रामपुर में मुद्दे अलग ही हो रहे हैं। बयानबाजी यहाँ पर मुख्य मुद्दा हो गया है, विकास बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे होने चाहिए थे वो नजर नहीं आते, बयानबाजी ही आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बयानबाजी तो ऐसी कोई बयानबाजी तो है नहीं, और जहाँ तक कि मुद्दे हैं वो लोगों को नजर भी आ रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान मुद्दा है। नहीं, महिलाओं का सम्मान कोई मुद्दा नहीं, और अगर महिलाओं का सम्मान है तो पुरुषों का भी तो सम्मान है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ फातिमा जी, जो साफ तौर पर बोल रही है कि सम्मान सबका बराबर होता है। ऐसे में जो लोग, जो प्रशासन है वो यही चाह रहा था कि जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलकर वोटिंग ना करें, और इसी वजह से जो ईवीएम है उसकी लेकर भी जो शिकायत है वो यहाँ पर ये कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ प्रियंका कांतपा, न्यूज 18 इंडिया, रामपुर। वही रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सामने चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर बदजुबानी का आरोप लगाया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी रामपुर से जो है जयप्रदा, वो मौजूद हैं। अभी आपने खास आज पूजा की, क्या कुछ खास मांगा? बस भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना की कि हमारे इस रामपुर में आवाम को रक्षा करे और जनता खुश रहे, और महिलाओं के लिए इस अस्मिता को, इसको सम्मान मिले। जी, यहाँ हमने देखा कि आपने बिल्कुल ठीक गणपति के बगल में अपना कार्ड भी रखा है, ये निर्वाचन जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन का कार्ड है, पहचान पत्र वो भी यहाँ डाला है, यानी कि आज खास रिक्वेस्ट है अपनी जीत की भी। बिल्कुल, आज जो है ये मेरे लिए चुनौती है, और देखिए चुनाव में तो सब कुछ होता है, तो उसको मैं भगवान से रक्षा करने के लिए कहा है कि हमारी इस बहनों का लाज रखें, और खास महिलाओं का जी। और महिलाएं जो बहुत ही हमारे साथ दे रही है, सारे देश से रामपुर देख रही है, सो पूरी नज़र दुनिया के नज़र हमारे ओर है, सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि जनता हमारे लाज रखेगी जी। लेकिन पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो मुद्दे अलग हैं, विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रामपुर में आकर रामपुर हाईलाइट में ही रहा अलग अलग बयानबाजी को लेकर। आजम खान ने पहले बयानबाजी की, उनके बेटे का भी बयान आया, तो आपको लगता है कि रामपुर का जो चुनाव है वो बाकी देश भर में जिस तरीके से चुनाव बाकी मुद्दों पर हो रहे हैं उससे नहीं हो रहे? बिल्कुल हटके हो रहा है, और क्योंकि ये पर्सनल लेवल पर युद्ध हो रहा है, क्योंकि कौन कितना ज़्यादा गालियाँ बकेंगे वो तो अब्दुल्ला इसमें आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि अब्दुल्ला तो छोटा बच्चा समझा मैंने, लेकिन इतना बड़ा हो गया ये तो मुझे पता नहीं चला। तो उनके नज़र में महिलाएं एक अनारकली लग रही है, तो ये तो ताजुब हो रहे हैं। सो ये पूरे देश में जो है अपने आदरणीय मोदी जी का, जो उनके विकास के नाम से लेकर आज यहाँ पे भी लोग वही समझते हैं कि मोदी जी का एक बार और प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन यहाँ आजम साहब का जो मुद्दा है तो वो पर्सनल लेवल पे वो ले रहा है, वो मुझसे पता नहीं इतने दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं। तो लेकिन जो महिलाओं के अस्मिता का ठेस पहुँचाने वाला जो आजम खान